यार असली तुम्हारी गाड़ी तो बहुत जबरदस्त है, मेरे पास भी बिल्कुल ऐसी ही गाड़ी है। ध्रुव क्या हो गया है तुम्हें, ये तुम्हारी ही तो गाड़ी है, तुम मुझे पार्टी में लेकर गए थे भूल गए क्या? याद करो, सब याद आ जाएगा। या अल्लाह, लगता है इसकी याददाश्त चली गई है। अब मुझे ही तुम्हें घर पहुंचाना पड़ेगा ध्रुव। असली तुम मुझे अपने घर तो नहीं ले जा रही हो ना? यार देखो ऐसी वैसी बात ना हो जाए कहीं। या अल्लाह क्या करूं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ तो तुम क्या कह रही थी? दुर्ग साहब, मैं तुम्हें तुम्हारे ही घर लेकर जा रही हूँ। किस लिए? क्योंकि तुमसे गाड़ी नहीं चलाई जा रही थी और तुमने मना कर दिया था, तो मुझे स्टीयरिंग संभालना पड़ा। झूठ बोल रही हो तुम, ड्राइव तो आंखें बंद करके भी कर सकता हूँ मैं। तुमने किया था क्योंकि तुम लड़खड़ा कर चल रहे थे, ट्यूबवेल को बाबा कह रहे थे, गार्डन की घास पर बार बार लेटे जा रहे थे, पागल हो गए थे क्या? और बर्तनों से फुटबॉल खेलने पर स्टार कर रहे थे, तुम्हें याद नहीं? असली मुझे अपने घर ले जा रही है। चुप हो जाओ। असली मुझे अपने घर ले जा रही है। ध्रुव खामोश हो जाओ वरना मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ। अरे 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 अरे, ये तुम क्या कर रही हो? गाड़ी में ब्रेक भी होते हैं लड़की, स्लो चलाओ। हाँ। मेरा मतलब है घर ही जाना है, देखो हॉस्पिटल ना पहुँचा देना मुझे। ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा असली, अल्लाह कहाँ फंस गई मैं, क्या करूँ इस लड़के का? मुझे तो ये भी नहीं मालूम किसका कमरा कहाँ है, कहाँ लेके जाऊँ इसे। मैं बताऊँ तुम्हें? हाँ बताओ। मुझे अभी कमरे में नहीं जाना। इस बात का क्या मतलब हुआ? अभी बताता हूँ। ये कोई वक्त है पूल में नहाने का, जल्दी से बाहर आओ, अगर घर में से किसी ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे वो। तंग आ गई हूँ मैं तुमसे। हाँ कसम से बहुत मजा आ रहा है। असली असली बचाओ मुझे। दुरु क्या हो गया? दुरु असली मेरा पैर मुड़ गया है, कुछ करो। अरे देख क्या रही हो, जल्दी करो जल्दी। दुरु रुको, डूबना नहीं, मैं आ रही हूँ। दुरु रुको, मैं आ रही हूँ। दुरु अच्छा लग रहा है ना पानी में आकर, मैं चाहता था तुम भी एंजॉय करो। दुरु झूठ झूठ बोला तुमने, जल्दी मैं कितना डर गई थी तुम ऐसे देख के, अभी बताती हूँ तुम्हें। सॉरी, शोखी निकल जाएगी तुम्हारी। हंसो मत, ये नहीं करो। इस पानी में बहुत मजा आ रहा है। अरे वाह, क्या बात है। अरे वाह यार, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम्हारा घर इतना बड़ा है दुरुक। यहाँ पर करते क्या हो अगर एक दूसरे से बात करनी हो तुम लोगों को? लगता है स्पीकर पर आवाज लगाते होगे। वैसे यार इतने बड़े घर में एक दूसरे को ढूंढना भी कितना बड़ा मसला होता होगा ना, इतने कमरे हैं। मैं तो एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमते घूमते खो जाती, सही कह रही हूँ ना? वैसे तुम कमाल की बातें करती है। असली तुम्हारे बाल गीले हो गए। हाँ गीले हो रहे हैं अभी तो ध्रुव, और देखो कपड़े भी तो भीग गए हैं मेरे, और तुम्हारे घर का इतना अच्छा फर्श खराब हो जाएगा। ऐसा करो अपना कोई ड्रेस ला के दे दो मुझे, मैं वो पहन लूंगी। भीगी हुई हूँ, मौसम भी खराब है, कहीं बीमार ना हो जाऊँ मैं। वैसे ध्रुव इतने बड़े घर में इतने कम लोग रहते हैं, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? क्या डरने की बातें कर रही हो, चलो लॉन में चल के बैठते हैं। हाँ बहुत अच्छी जगह है लॉन बैठने के लिए, और मुझे तो हरियाली इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि बता नहीं सकती तुम्हें। असली एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट दुरुक, रुको 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 रुको। दुरुक क्या हो गया? मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। यार तुम ऐसी हालत में मुझे कैसे अकेला छोड़ के जा सकती हो, बताओ। अच्छा थोड़ी देर रुक जाती हूँ, लेकिन मुझे जाना तो होगा, रात काफी हो गई है और घर में सब परेशान होंगे ना, रात भर बाहर तो नहीं रह सकती ना। अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए अच्छी से कॉफी बना कर लाती हूँ। जहर तो नहीं मिलाओगी ना? थोड़ा सा मिला देने में कोई हर्ज भी नहीं दुरुक। चलो बाहर लेके चलती हूँ।
अल्लाह। हराम से। दुरुग बात सुनो, ये कितने हैं और मैं कौन हूँ? ये 12 हैं और तुम एक परी हो। ऐसी बातें तो मत करो ना ध्रुव, मैं कोई फरिश्ता नहीं, मैं असली हूँ। मुझे इतनी देर तक तुम्हारे साथ नहीं रुकना चाहिए, अब तो कॉफी भी बना दी है, मुझे लगता है बहुत लेट हो गई हूँ, अब मुझे घर चले जाना चाहिए। रात को इस वक्त इस तरह निकलना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, तुम यहीं रुक जाओ, सुबह साथ में नाश्ता करेंगे, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। ठीक है, तो तुम मुझे घर पर छोड़ दोगे? वैसे एक बात बताऊं, रात को मुझे जल्दी नींद आ जाती है और उसके बाद मुझे उठाना नामुमकिन ही समझ लो, लेकिन हैरत अंगेज बात है, मुझे अभी तक नींद ही नहीं आई। अब लगता है अब नींद आना शुरू हो गई है। दुरुख सुबह बात करेंगे, ठीक है ना दुरुख? असली में तुमसे माफी चाहता हूँ, मुझे नशे का ड्रामा करना पड़ा, अगर मैं ये ड्रामा नहीं करता तो फिर तुम्हारे साथ वक्त ना गुजार पाता। और तुम जानती हो मैंने आज तक किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया, पता नहीं तुम्हारे साथ क्यों कर बैठा ऐसा। शायद मुझे ऐसा लगता है कि तुम दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हो, और अब अगर ये झूठ मुझे तुमसे दोबारा भी बोलना पड़ा तो मैं रुकूंगा। असली, असली तुम सुन रही हो ना? असली, असली, हाँ ध्रुव बोलो। आई एम सॉरी हयात, इतनी रात को तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, असली सो चुकी है। कहाँ सो रही है वो? वो मेरे साथ घर आ गई थी और मुझसे लॉन में बातें करते करते वो सो गई। अगर वो सो गई है, अब दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए उसे नींद से नहीं जगा सकती, इसलिए तुम उसे उठाने की नामुमकिन कोशिश मत करना। अच्छा, मेरे पास इसकी फ्रेंड का नंबर नहीं, तुम उसे बता देना कि वो सेफ है। चलो ठीक है, वो तुम्हारे साथ है तो सेफ ही होगी, मगर फिर भी उसका ख्याल रखना। ओके, गुड नाइट। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।